पांचवें रिएक्शन का नाम ही मैंने तुमको होमोलोगेशन ही लिखाया था, ठीक है। अब होमोलोगेशन का मतलब भी अपने को पता ही चल गया है कि क्या है, ठीक है। तो इस रिएक्शन में देखो, अगर मान लो मैं तुमको ऐसे दे दूं R O H, और यहाँ पे तुमको कोई भी कार्बिन दे दूं CH2N2 हीट, क्या करना है मेरे को, होमोलोगेशन करना है, ठीक है। क्या करोगे, होमोलोग तो ऐड करना है, बट होगा कहाँ पे, मेरे को पता है CH2 यूनिट ऐड होके रहेगी, बट कहाँ पे ऐड होती मालूम है, इस हाइड्रोजन पे। तो इसका जो प्रोडक्ट है तुमको ऐसे दिखेगा RO CH2H या फिर RO CH3, ठीक है। ईथर में कन्वर्ट हो जाते हैं ये सब चीजें, अल्कोहल वाली। छोटा सा मैकेनिज्म है, लिख लो फिर देखते। अब इसका अगर मैं मैकेनिज्म भी बताऊं तो पहली स्टेप तो अपने को पता है, ठीक है। पहली स्टेप में क्या हुआ होगा, क्या ये डाइएजो मीथेन, ठीक है, ऐसे रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज, लोन पेयर, लोन पेयर। ये क्या करेगा, लोन पेयर अंदर शिफ्ट करेगा, ठीक है। या तो डायरेक्ट समझ लो कि नाइट्रोजन लेके बाहर निकलेगा, ये इस पे शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से ये HCH, इस पे लोन पेयर, इस पे नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, लोन पेयर, पॉजिटिव चार्ज। अब जब इसको हीट करोगे तो यहाँ से N2 बाहर, स्टेबल फॉर्म में क्या बन रहा है, HCH, लोन पेयर और वैकेंट ऑर्बिटल, कार्बिन का फॉर्मेशन हो जाएगा ना इधर से। तो दूसरे स्टेप में मेरे पास क्या था, ROH, मेरे को पता ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं, और अपने पास बना क्या था, कार्बिन बना था, ठीक है। कार्बिन में एक वैकेंट होता है, एक लोन पेयर होता है, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन अपना दे देगा, जिसकी वजह से ये तुमको ऐसे दिखेगा RO, ऑक्सीजन के पास एक हाइड्रोजन था, अब एक ही लोन पेयर बचा है और इसने इस कार्बन से बॉन्ड बनाया हुआ है, इसे CH2 था और इसके ऊपर क्या हो गया, एक बॉन्ड पेयर, ठीक है। अब सब कुछ अनस्टेबल है, तुमको दिखता होगा ऑक्सीजन के पास तीन बॉन्ड है, इसके पास लोन पेयर है, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, बॉन्ड पेयर ले लेगा और यहाँ से क्या रिलीज कर देगा, H+, और ये H+ क्या होगा, इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है, यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा, तो बना क्या देखो R। अब इसके दोनों लोन पेयर वापस आ गए और यहाँ पे क्या हो गया, CH3, समझा, मैंने तुमको ऐसे दे दिया कि HCl है और इसके ऊपर CH2N2 का रिएक्शन करना है, हीट कर, क्या बनाओगे, होमोलोग बनेगा, CH2 यूनिट आएगी तो कहाँ पे ऐड होगी, H पे ऐड होगी, ये हो जाएगा CH3Cl, इसमें R, थ्री डबल बॉन्ड O, O, फिर क्या CH3, इस पे सिंपल है ना, ये तो